नांगल चौधरी जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी अभी युवा विभिन्न मामलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गांव मुकुंदपुर के दिलीप कुमार ने नेशनल यूथ स्पोर्ट्स कंपटीशन महाराष्ट्र से 2018 में खेल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। दिलीप कुमार की उपलब्धि पर जहां उसके गृह क्षेत्र में खुशी का माहौल है, वहीं हल्के के खेल प्रेमी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने भी स्वयं दिलीप सिंह के घर पहुंचकर उसको बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि अब नांगल चौधरी जैसे क्षेत्र से भी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं। विधायक ने दिलीप कुमार के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि एक छोटे से गांव मुकुंदपुरा से निकलकर दिलीप ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करके न केवल अपने गांव बल्कि समूचे जिले का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न खेल योजनाओं को लागू कर रही है, जिसका आम युवक युवकों को लाभ उठाना चाहिए। दूसरी तरफ दिलीप कुमार के गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद गांव में पहुंचने पर गांव के भी गणमान्य लोगों ने पगड़ी और फूलमाला से उसका स्वागत किया। और मैं महाराष्ट्र में गोल्ड मेडल जीतकर 400 मीटर में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया और आगे भी करता रहूंगा। और हमारे उपस्थित रहे रेणु मुलोदी और सुरेश मुलोदी और डॉक्टर अभय सिंह और चेयरमैन साहब और रतनलाल सरपंच और आगे चल के क्षेत्र का नाम रोशन करो। जो इसने राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है एथलेटिक्स में, उसके लिए मुबारकबाद देने के लिए मैं यहाँ आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने इससे मुझे उम्मीद है कि हमारा ये बेटा आगे भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनाम प्राप्त करेगा।